नमस्ते। आज हम आपके लिए एक और नया रेसिपी लेके आए हैं जो सबको पसंद आता है, चटपटे समोसे की रेसिपी जिसे देखते ही मुंह में पानी चलिए आ अब हम जाए। बनाना स्टार्ट करते हैं। हम मैदा लिए हैं, 2 कप के लगभग मैदा लिए हैं। इसमें हम अब नमक डाल देंगे, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। एक चुटकी हम बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं, एक चुटकी जमाइन मंगरेला, 2 चम्मच के लगभग रिफाइंड, एक चुटकी कश्मीरी मेथी, अब हम आटा को मिला लेते हैं इस तरह से। आप देखिए, खस्ता देखने के लिए आप आटा को इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, इस तरह से मिला लीजिए और आप एक इसको दाब के एक मुठल्ला टाइप का बना लीजिए इस तरह से। इस तरह से अगर आपका बन रहा है तो समझिए आपका खस्ता बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें हम थोड़ा पानी देके मिला लेते हैं। थोड़ा थोड़ा ही पानी देके मिलाएंगे, ज़्यादा दे देंगे तो आटा गीला हो जाएगा। जो आप रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा कड़ा आटा रखना है। देखिए, हम इस तरह से हम आटा मिला लिए हैं। इस तरह से आटा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसे 10 मिनट तक ढक के छोड़ देंगे। अब हम आलू का तैयारी करते हैं। देखिए, मसाला बनाने के लिए हम 4 बड़े साइज के आलू लिए हैं। अब इसको हम मसाला के साथ में भून लेते हैं। इधर देखिए, अब इसमें हम थोड़ा सा सूखा मसाला ऐड कर देते हैं। सूखा मसाला हम सौंफ लिए हैं, इसको हम इसमें डाल देते हैं। सौंफ बहुत ज़रूरी है, सौंफ बहुत सुंदर टेस्ट लाएगा समोसा में। एक छोटा मीडियम साइज का हम प्याज लिए हैं, एक हरी मिर्च। अब इसको चलाते हुए हम लाल कर लेते हैं। देखिए, प्याज हमारा लाल हो चुका है, ज़्यादा लाल नहीं करेंगे। अब इसमें हम कुछ सूखा मसाला ऐड कर देते हैं। हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं, हल्दी, थोड़ा सा किचन किंग, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच के लगभग कस्तूरी मेथी। अब इसको इस तरह से हम प्याज के साथ में इसको भून लेते हैं। देखिए, मसाला लाल हो चुका है, अब इसमें हम ये आलू डाल देंगे। अब इसको भी मसाला के साथ में चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक इसको भून लें। देखिए, हम मसाला के साथ में आलू को मिला लिए हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल के मिला देते हैं, इसके साथ भी इसको मिला लेते हैं। ये देखिए, हमारा आलू बिल्कुल पूरी तरह से भुन जा चुका है, आलू हमारा तैयार हो चुका है। देखिए, इस तरह से हम आलू निकाल लिए हैं कढ़ाई से। अब इसमें कुछ हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे टेस्ट के अनुसार, आपको जो पसंद है। हम काजू किशमिश लिए हैं, इसको इस पर हम डाल देते हैं। अब इसे हम साइड में रख देते हैं और आटा मिला लेते हैं। देखिए, हमारा आटा भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसे हम एक छोटा छोटा गोला बना लेते हैं इस तरह से। इस तरह का गोला बना लेते हैं, सभी आटे का हम इस तरह से गोला बना तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम सारे को बना लेते हैं। देखिए, इस तरह से हम गोला बना लिए हैं। आप एक एक गोला को हम बेल लेते हैं। इस तरह से हम इसको बेल लेते हैं, इस तरह से। थोड़ा लंबा आकार में बनाएंगे। देखिए, इसको थोड़ा लंबा आकार में बनाएंगे तब समोसा का जो तिनकोन है ना, वो बहुत अच्छा तरह से बनेगा। इस तरह से हम बना लिए हैं। अब इसको चाकू के सहारे हम इस तरह से काट लेते हैं। देखिए, इस तरह से हम सारे को बेल लिए हैं। अब एक एक पीस लेके हम इसमें हम अब इसको शेप में बना लेते हैं। देख लीजिए, पहले इस तरह से हम मोड़ लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी लगा देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए और ये जब आप फ्राई करें तो ये उखड़े नहीं। इस तरह से, और इसको इस तरह से अच्छी तरह से इसको दाब के फोल्ड कर लें। ये देखिए, अब इसमें हम आलू डाल देते हैं।
इस तरह से आलू डाल दिए। अब इसको इस तरह से हम मिला लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा समोसा बनके रेडी हो गया। अब इसी तरह से हम सारे पीस को बना लेते हैं। देखिए, हम दूसरा पीस भी इसी तरह से लिए हैं। अब इस पर हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे, इस तरह से। पानी ज़रूर लगाइएगा, नहीं तो ये आपका बाद में छानते समय उखड़ जाएगा। इसको इस तरह से हम अच्छी तरह से दाब लेते हैं, इस तरह से, ठीक है। अब इसमें हम आलू डाल देते हैं। हम आलू डाल दिए, अब इसको इस तरह से हम यहाँ मिला लेते हैं। ये देखिए, अब हम इसी तरह से दूसरा पीस को बना लेते हैं। देखिए, इस तरह से हम सारे समोसे को बना लिए हैं। अब इधर कढ़ाई में हम तेल गरम कर लिए हैं। अब इसमें हम सारे समोसे को डाल देंगे। ज़्यादा गरम तेल नहीं करेंगे, थोड़ी धीमी आंच में हम समोसा को फ्राई करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम सारे समोसा को डाल दिए हैं। ज़्यादा गरम तेल में नहीं डाले हैं, थोड़ा कम तेल में ही डालेंगे, गरम तेल में, कम गरम में ही। अब इस तरह से इसे लाल होने देते हैं। देखिए, इस तरह से एक बार हम इसको फिर से पलट लेते हैं। इस तरह से हम थोड़ा धीमी आंच में इसको हम पकाएंगे, क्योंकि इस पर दो लेयर भी है एक जगह पे। इस तरह से सारे को पलट देते हैं। हमारा समोसा समोसा लाल हो चुका है। अब इसे हम एक एक करके प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरह से हम सारे समोसा को निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमारा सारा समोसा तैयार है। देखिए, हमारा समोसा बनके रेडी हो चुका है। आप इसे टमाटो सॉस के साथ खा सकते हैं, या आप समोसा का चटनी भी सरसों वाला बना के उसके साथ भी खा सकते हैं। एक बार आप इसको घर पे ज़रूर बनाइए। अगर आपको टेस्ट पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।